आप देख रहे हैं द फेस ऑफ इंडिया। इस समय हम आनंद स्वरूप स्वामी जी के पास हैं, जो कि चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से किए और गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये लगे रहे रात दिन, धन जन सब के साथ इन्होंने गरीबों की सेवा की। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इनको भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया। स्वामी जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि भाजपा ने टिकट नहीं दिया है उसका निर्णय है, वो समझने में भूल कर गई। अब उसको अपने गलती का एहसास हो रहा है। और भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको कि पूरी सलीमपुर की जनता थू 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 कर रही है, और यह थू थू इस चुनाव में समझ में आएगा उसको। पार्टी नहीं टिकट दी, लेकिन हम चुनावी मैदान में हैं। ये कह रहा हूँ सर स्वामी जी कि अभी आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि सलेमपुर की जो महान जनता है वो परिवर्तन चाहती है, और मैं इस विनाश पुरुष से परिवर्तन के लिए यहाँ पे आया था। वो परिवर्तन मैं नहीं करूँगा तो मैं सलेमपुर की जनता के साथ अन्याय करूँगा। इसलिए मैं 2024 के चुनाव में जनता की तरफ से सलेमपुर की चुनाव लड़ रहा हूँ, और चुनाव मजबूती के साथ लड़ूंगा। यह जो महान जनता है वो कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सलेमपुर परिवर्तन चाहता है, सलेमपुर में परिवर्तन बहुत आवश्यक है, परिवर्तन नहीं हुआ तो समस्या होगी। तो मैं अब गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, नौजवानों से मिल रहा हूं, महिलाओं से मिल रहा हूं, परिवार से मिल रहा हूं। वैसे सलेमपुर का एक एक परिवार मेरा परिवार है, और मैं निश्चित रूप से उन लोगों के बीच जा करके और उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ अपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। देखिए, चूंकि व्यवस्थाएं बदल रही हैं, निर्दल चुनाव लड़ना थोड़ा खतरे वाली बात थी, इसलिए मैंने यह तय किया कि किसी न किसी दल से चुनाव लड़ूंगा, यह तय है। और सब दलों के लोगों से वार्ता चल रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा, ये तय है। यहाँ का प्रतिनिधित्व करूंगा, ये भी तय है। माँ शांभवी ने मुझे भेजा है, और वह जो ताकत अभी सलीमपुर की जनता मुझे दे रही है, यहाँ के लोग न भूतों न भविष्यति देखेंगे। यहाँ के लोग सड़कों के लिए नहीं तरसेंगे, यहाँ के लोग शिक्षा के लिए नहीं तरसेंगे, यहाँ के लोग विकास के लिए नहीं तरसेंगे, यहाँ के लोग प्रतिनिधि से मिलने के लिए नहीं तरसेंगे। उनका प्रतिनिधि उनके दरवाजे पर रहेगा, उनके घर पर जाएगा, उनके सुख दुख में उनके साथ रहेगा। यही जनता चाहती है। जनता कुछ आपसे हीरा मोती नहीं चाहती है, वो चाहती है कि उसके सुख दुख में साथ रहिए। और सलेमपुर की जनता पिछले 40 वर्षों से छली जा रही है, वो छल इस बार दूर होगा, सलेमपुर फिर से उत्कर्ष पे होगा। देवराहवा बाबा की आत्मा को जो शांति मिलेगी वो हमारे आने के बाद ही मिलेगी। बेटियों की विवाह से लेकर के जितने भी मंदिर जिन सिंह पड़े हैं उनको बनवाने तक की पूरी जिम्मेदारी मैंने लिया है। तमाम मंदिरों को बनवा दिया हूँ, तमाम संस्थाएं, मेरे सांसद बनते ही लोगों को लगेगा चमचमाती हुई सड़कें, और यही यह सांसद देख देख करके आह भरेगा। इसलिए कि सलेमपुर की आपने देखा होगा, जिस दिन टिकट मिला गांव-गांव से भगाए जा रहे हैं, चप्पल मारे जा रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं। इस बार जनता जब EVM दबाएगी तो मेरे नाम का दबाएगी। वो जानती है कि अच्छा प्रतिनिधित्व अच्छा व्यक्ति ही, सच्चा व्यक्ति ही, संत व्यक्ति ही कर सकता है। स्वामी जी, हम लोगों ने देखा है बहुत सांसद हुए लेकिन आज तक हमारे भागलपुर की तरफ बहुत कम आते हैं, लेकिन आपने हर सुख दुख में, जब से मैं देख रहा हूँ, आप आते रहते हैं, सबके साथ मिलते जुलते रहते हैं। आप भागलपुर के विकास में क्या कहें? देखिए, अगर मैं प्रतिनिधि बनने का, प्रजा की सेवा का निर्णय किया है तो प्रजा की सेवा ही मेरा कर्तव्य है। मैं दिल्ली नहीं दौड़ूंगा, दिल्ली सलेमपुर दौड़ेगी। और सुख दुख में तो मैं पिछले, जब से मैंने संन्यास लिया है, सन्यासी का मतलब ही होता है सर्वभूत हिते रता इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है, सुख दुख में लगा रहे वही साधु है। और प्रतिनिधि वही सच्चा है जो अपनी प्रजा के लिए दिन रात एक कर दे, वो प्रजा को ये महसूस हो कि कोई व्यक्ति मेरा है। अगर उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, यदि उसको पैसे की ज़रूरत हो, उसको बेटी के विवाह की ज़रूरत हो, खेती के पैसे की ज़रूरत हो, तो उसका प्रतिनिधि आगे बढ़ करके उसके साथ रहेगा। मैंने निर्णय लिया है, और मैं बार बार जो आरोप मेरे ऊपर जातिवाद का लगता है, मैंने तो अभियान ही चलाया है, जात छोड़ो, हिंदू जोड़ो, जात छोड़ो, एकता लाओ, हम एक रह करके इस चुनाव में भारी मतों से जनता हमको जिताएगी, और मैं जीतूंगा।
मैं लड़ूंगा और आपके लिए लड़ता रहूंगा, सलेमपुर के लिए लड़ता रहूंगा, युवाओं के लिए लड़ता रहूंगा, बेटियों के लिए लड़ता रहूंगा, महिलाओं के लिए लड़ता रहूंगा, किसानों मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा, गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। और यही वास्तव में प्रतिनिधि है। इस बार सलेमपुर तय करेगा। भारत में एकमात्र सलेमपुर सीट होगी जो सलेमपुर की जनता, जहाँ की जनता लड़ेगी। पार्टियों की जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी, जातियों की दीवारें टूट जाएंगी, धर्मों की दीवारें टूट जाएंगी। आप देखिएगा, सलेमपुर इस बार विजयी होगा। महाराज जी, इस क्षेत्र की जनता से आप क्या अनुरोध करेंगे? मैं सलेमपुर की जनता से अनुरोध नहीं, मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ। मैं एक सदस्य होने के नाते आप सबसे आह्वान करता हूँ कि इस बार किसी दल किसी दिल को मत देखिए। इस बार सिर्फ आप अपने लिए चुनाव लड़िए, परिवर्तन के लिए चुनाव लड़िए। और चुनाव एक एक को लड़ना, हो सकता है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से मैं ना मिल सकूं, हो सकता है कि आप तक ना पहुंच सकूं, हो सकता है कि मेरी बात ना पहुंच सके। इसको आप मेरा आमंत्रण, मेरा आग्रह स्वीकार करके सलेमपुर की तरफ से लड़ने का प्रयास करिए। सलेमपुर की सड़कों के लिए लड़ने का प्रयास करिए। सलेमपुर में रोजगार के लिए लड़ने का प्रयास करिए। सलेमपुर में एक अच्छे और सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव लड़िए।